हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पोटैटो चीज़ बॉल की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो देखते हैं कैसे इसे बनाना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका गुड ईट्स बाय हिना दीवान में। तो पोटैटो चीज़ बॉल बनाने के लिए मैंने ये उबले हुए आलू ले लिए हैं, उनको हम मैश कर लेंगे पहले, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ वेजीज। तो इसमें मैंने ये रेड कैप्सिकम ली है, ग्रीन कैप्सिकम ले ली है, और एक अनियन को मैंने रफली चॉप कर लिया था मीडियम साइज़ को, वो ले लिया है मैंने इसमें। और 5 से 6 चम्मच ये मैंने मुज़रेला चीज़ ली है, इसको ग्रेट कर लिया था, तो वो इसमें हम डाल देंगे। और आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। 1/2 चम्मच मैंने डाली है काले मिर्च, 1/2 चम्मच नमक डाला है, 1/2 स्पून इसमें डालेंगे हम मिक्स हर्ब्स का, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, और 1/2 चम्मच डालेंगे ऑर्गेनो, धनिया चॉप करके डाल देंगे इसमें 2 चम्मच, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। तो ये मिक्स हो गया है, इसे अब हम साइड में रख देते हैं। और ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर में पानी डाल दिया था मैंने, और कुछ भी स्पाइसेस नहीं डाले हैं, तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। और ये जो आलू का मिक्सचर हमने बनाया था, ये थोड़ा थोड़ा आप लेते जाएंगे, और इसको फ्लैट करके इसमें मैंने ये भरी है चीज़। तो चीज़ को मोज़रेला चीज़ है ये, इसको मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिया है पहले ही, और इसे हम फिल करते जाएंगे इसके अंदर, इसी तरीके से सारी बॉल्स बना के रख लेते हैं। और फ्रेंड्स, मज़ेदार बात यह है कि अगर आपको इस टाइम पे नहीं भी खाना है, तो आप इसको स्टोर कर भी रख सकते हैं फ्रिज में, जब मन चाहे इसको आप फ्राई करके खा सकते हैं। 15 से 20 दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में, बॉक्स में डाल के। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए। तो बातें करते करते मैंने ये सारी बॉल्स भी बना के तैयार कर ली हैं, और अब मैंने ये लिए हैं ब्रेड क्रम्स। 2 ब्रेड को मैंने इस तरीके से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, तो ये ब्रेड क्रम्स बन गए हैं, इसको भी अभी हम साइड में रख लेंगे। और एक एक बॉल लेते जाएंगे, और जो ये हमने स्लरी बनाई है उसमें हमें डिप करना है, जिससे कि जो ब्रेड क्रम्स हैं अच्छे से इस पर कोट हो जाए। तो इसी तरीके से सारी बॉल्स पे हम ब्रेड क्रम्स लगा के कोटिंग कर लेंगे। तो सभी को कर लेते हैं हम पहले। तो बनाना फ्रेंड्स इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये रेसिपी। तो एक बार ज़रूर इसे आप ट्राई ज़रूर करें। तो ये सभी बॉल्स तैयार हो गई हैं, आप चाहें तो इसे इस टाइम पर बॉक्स में रख के फ्रिजर में रख सकते हैं, जब मन चाहे इसे आप फ्राई कर लें, बट हम अभी बना रहे हैं इसे। तो एक एक करके सारी बॉल्स मैं इसमें डाल देती हूँ। तो लो फ्लेम पे ही आप इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, तो बीच बीच में इसे हम टर्न करते रहेंगे, जिससे कि सभी साइड से अच्छे से ये फ्राई हो जाए। तो फ्लेम को मैंने लो ही रखा है, और ये हमारी बॉल्स जो हैं वो फ्राई हो गई हैं 5 से 7 मिनट में, बढ़िया सा कलर आ गया है इसमें, और ये प्लेटिंग हमारी तैयार है। ये मैंने मेयोनीज में सॉस और हर्ब्स मिला दिया था, तो इसके साथ ये डिप जो है वो बहुत टेस्टी लगती है, इसे आप ज़रूर बनाएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती है, तो उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ उसे ज़रूर शेयर किया करें। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।